हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमसी क्लासेस एंड यू आर वी सत्यम पटेल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बायोस्फीयर एंड नेशनल पार्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है नंदा देवी, सेकेंड है नीलगिरी, थर्ड है नोक्रेक, फोर्थ है मानस। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। फर्स्ट ऑप्शन है सुंदरबन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, सेकेंड है नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, थर्ड है नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, फोर्थ है मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो 62 का इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वन, सेकंड है राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है वनस्पति उद्यान, फोर्थ है अभय वन यानी कि अभयारण्य। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी अर्थात फोर्थ ऑप्शन अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। फर्स्ट है अरावली पर्वतमाला, सेकंड है विंध्य, थर्ड है सतपुड़ा, फोर्थ है नीलगिरी। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व है। फर्स्ट ऑप्शन है लक्षद्वीप, सेकंड है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, थर्ड है दमन और दीव, फोर्थ है दादरा नगर हवेली। तो इसका हमारा हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। फर्स्ट है राजस्थान, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड है गुजरात, फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो इसका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है। फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ आंध्र प्रदेश। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पंचमढ़ी स्थित है मध्य प्रदेश में अर्थात थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है बाघ और हाथी, सेकंड है जंगली भैंसा, थर्ड है पक्षी, फोर्थ है तेंदुआ और चीतल। तो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फर्स्ट है सीधी में, सेकंड है मंडला में, थर्ड है शिवपुरी में, फोर्थ है खंडवा में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये स्थित है मंडला में अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है। राजस्थान, असम, बिहार, गुजरात। तो चंपानेर कहाँ है? यह है आपका गुजरात अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है। फर्स्ट है ओडिशा, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है गुजरात, फोर्थ कर्नाटक। तो ये कहाँ है? तो दांडेली वन्यजीव अभयारण्य ये आपका है कर्नाटक अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड है राजस्थान, थर्ड है कर्नाटक, फोर्थ है छत्तीसगढ़। तो ये जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है। फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड कर्नाटक, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ असम। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन अर्थात कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। फर्स्ट है कान्हा, सेकंड है दाचीगाम, थर्ड है गिरी, फोर्थ है मधुमलाई। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये है दाचीगाम अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। फर्स्ट है उत्तराखंड, सेकंड मिजोरम, थर्ड जम्मू कश्मीर, फोर्थ
हिमाचल प्रदेश, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? फर्स्ट है जम्मू और कश्मीर, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ सिक्किम। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो 76 का हो जाएगा हमारा थर्ड अर्थात हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है जम्मू कश्मीर, थर्ड हिमाचल प्रदेश, फोर्थ उत्तरांचल। तो ये हमारा कौन सा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ है मानस वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए जो हैं ये पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट है उत्तराखंड, सेकंड सिक्किम, थर्ड मेघालय, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका नंदा देवी कहाँ का है, ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? फर्स्ट है उत्तराखंड, सेकंड जम्मू कश्मीर, थर्ड केरल, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ स्थित है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में स्थित है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क फर्स्ट है मणिपुर में, सेकंड है कुआलालंपुर में, थर्ड है बिलासपुर, फोर्थ है दिसपुर। तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? फर्स्ट है मिजोरम, सेकंड नेपाल, थर्ड भूटान, फोर्थ मणिपुर। तो ये भी हो चुका है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? फर्स्ट है भितरकनिका नेशनल पार्क, सेकंड है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, थर्ड है केवला देव घाना नेशनल पार्क, फोर्थ है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा किबुल लामजाओ नेशनल पार्क अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? फर्स्ट कान्हा किसली, सेकंड रणथंभौर, थर्ड है जिम कार्बेट, फोर्थ है किबुल लामजाओ। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अर्थात किबुल लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क है मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश अर्थात फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? फर्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, सेकंड है नंदा देवी नेशनल पार्क, थर्ड है नेवरा वैली नेशनल पार्क, फोर्थ है नामदफा नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा नामदफा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित नहीं है? फर्स्ट है केरल, सेकंड कर्नाटक, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ आंध्र प्रदेश। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अर्थात आंध्र प्रदेश। बाकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये तीनों के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं? फर्स्ट है नोकरेक, सेकंड मन्नार की खाड़ी, थर्ड मानस, फोर्थ सुंदरबन। तो इसका हो जाएगा हमारा मन्नार की खाड़ी अर्थात सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? फर्स्ट है भितरकनिका, सेकंड है मन्नार की खाड़ी, थर्ड है गहिरमाथा, फोर्थ है सुंदरवन। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? फर्स्ट है सुल्तानपुर, सेकंड है भरतपुर, थर्ड है राजा जी, फोर्थ है सरिस्का। तो हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है, तो ये है सुल्तानपुर, क्योंकि शेष
आपका भरतपुर, सरिस्का या आपके राजस्थान के हैं, ठीक है। राजा जी आपका उत्तराखंड का हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।